अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको भी नहाने के बाद आता है खुद पे प्यार? क्योंकि मुझे तो बहुत आता है, जो कि लगा देते हैं मेरे हेयर और स्किन को चार चांद। फर्स्ट स्टेप है हेयर क्लींस करने का। हेयर को साफ करने के लिए मैं यूज करती हूँ हेयर एक्सटेंडर कंट्रोल शैम्पू, जो कि मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। से 5 मंथ से ज्यादा हो गए हैं यूज किए हुए और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये ना सिर्फ डैंड्रफ को खत्म करता है बल्कि आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। कंडीशन देख लें आप इसकी, जो कि मेरी छोटी सिस्टर कर देती है मेरे सारे प्रोडक्ट्स की, बट ये अभी भी वन टाइम यूज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने अपने लिए लव नेचर का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू मंगवा कर रखा है, क्योंकि ये डिस्काउंट में था एंड हेयर एक्स से पहले मैं इसको यूज कर चुकी हूँ और ये मेरे बालों को बहुत सूट किया था। जिनको डैंड्रफ होती है उनका मेन मसला हेयर फॉल का है ही डैंड्रफ, तो ये डैंड्रफ को भी खत्म करता है, बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, जो कि हेयर को बहुत शाइनी एंड सिल्की बना देता है। शैम्पू के बाद बारी आती है कंडीशनर की, जो कि मैं रिसेंटली हेयर एक्स अल्टीमेट रिपेयर का यूज कर रही हूँ। जैसे कि इसका नाम ही है नरिशिंग कंडीशनर, तो ये हेयर को बहुत अच्छे से नरिश करता है, डैमेज बालों को ठीक करता है, स्प्लिट एंड्स जो हो जाते हैं दो मुए बाल उनको खत्म करता है, जिनकी वजह से मुझे अपने बाल कटवाने नहीं पड़ते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बालों के टैंगल्स उलझन को खत्म करता है। हेयर के बाद बारी आती है स्किन की, सो बॉडी को वॉश करने के लिए मैं यूज करती हूँ लव नेचर की एक्सफोलिएटिंग शॉवर जेल, जो कि रसबेरी के फ्रूटी फ्लेवर के साथ है। फर्स्ट इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है, साथ में इसके जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत अच्छे से डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन काफी फ्रेश एंड कलर काफी बेटर लगता है। इसके साथ साथ बॉडी पर अगर कोई रैश होते ये उसको भी क्योर करती है। इसके बाद बारी आती है हमारे बॉडी के विजिबल पार्ट्स की, जिनको हमें ज्यादा गोरा चिट्टा करना होता है, और इसके लिए ओरिफ्लेम के मोस्ट डिमांडेड मिल्क एंड हनी फुल बॉडी वाइटनिंग शुगर स्क्रब से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो मेरे हाथ अभी चमक रहे हैं ना, उसका राज भी यही शहजादा है, जो कि मैं 2 सालों से यूज कर रही हूँ। फुल बॉडी वाइटनिंग इवन प्राइवेट पार्ट्स एंड लिप्स की भी डार्कनेस को रिमूव करता है, फेस को भी बिल्कुल चमका देता है। इसकी तो खत्म होने नहीं वाली तारीफ, तो आ जाते हैं मेरे लास्ट बात एसेंशियल पर, जो कि है इंटीमेट वॉश। और खूबसूरती के साथ साथ जो हमारी हेल्थ है वो भी बहुत नीडेड है, और इसके लिए हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, और इसके लिए मैं यूज करती हूँ फेमिनाइल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।